हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? बता दो, मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी को कि नहीं? बता दो फटाफट से। और स्क्रीन भी सही है या फिर ब्लर तो नहीं आ रही है, वो भी बता दो। चलिए फटाफट से। ओके, क्लियर है, अच्छी बात है। चलिए, वेरी गुड इवनिंग सुजाता। चलिए, ऑल क्लियर, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? मैम प्लीज सेंड मी टुमारोज लिंक। कौन से वाला मोनिका, कौन से वाले लिंक की बात कर रहे हो आप? जो आपको इसके लिए जो डिटेल मैंने आपको बताई थी प्रोनाउन वाले की, वो वाले की बात कर रहे हो आप या क्लासेस के लिंक की बात कर रहे हो? बताएं फटाफट से, कौन से वाले? यूट्यूब का आदित्य, इनको सेंड कर दीजिए प्लीज। जो यूट्यूब वाला लिंक है वो इनको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, और अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। अलंकार, जैसे आपने देखा हमने जो है वो अर्थ अलंकार को स्टार्ट किया हुआ है। शब्द अलंकार के हम तीन भेद ऑलरेडी देख चुके हैं। उसमें हमने देखा जो हमारा एक था, कौन सा था पहला, हमने कौन सा पढ़ा था बताइए? पहला अलंकार हमने कौन सा पढ़ा था? शब्द अलंकार का पहला अलंकार कौन सा था? अनुप्रास, है ना? फिर हमने यमक के बारे में पढ़ा, फिर हमने शलेश अलंकार के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने बात की अर्थ अलंकार की। अर्थ अलंकार का पहला था हमारे पास उपमा अलंकार। फिर उसी के अकॉर्डिंग देखो, उपमा अलंकार में दो चीजें आती हैं हमारे पास। एक होती है हमारे पास, जब हम उपमा की बात कर रहे थे, जहां पर मैंने आपको क्या बोला कि हमारे पास चार चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है? कि उपमान होना चाहिए, उपमेय होना चाहिए और साधारण धर्म होना चाहिए यानी कि गुण, और एक वाचक होना चाहिए। जब पूरे की पूरी चीजें आ जाती हैं तो दो हमारे पास इसमें प्रकार बनते हैं। एक है पूर्णोपमा, एक है लुप्तोपमा, ठीक है? जब हमारे पास चार की चार चीजें प्रेजेंट होती है तो वो पूर्णोपमा कहलाता है। इसमें से एक आधी चीज अगर कम ज्यादा हो जाती है, जैसे तीन चीजें कहीं पर रहती है, एक आधी चीज लुप्त हो जाती है, तो उसे हम लुप्तोपमा कहते हैं, ठीक है? ये आपने ध्यान रखना है, इसके दो प्रकार होते हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा, ठीक है? बाकी मैंने क्या कहा, सबसे मेन जो है उपमा अलंकार में जो है वो सा होता है। जो वाचक चिन्ह है, वाचक जो है वो प्रेजेंट होता ही होता है। अगर वाचक है तभी वो उपमा अलंकार होगा, ठीक है? दूसरी बार हमने की थी उपमा अलंकार के बाद, हमने पढ़ा था रूपक अलंकार के बारे में। उसमें हमने कहा कि इसमें योजक चिन्ह होगा, बीच में योजक चिन्ह होगा, मैक्सिमम टाइम पे योजक चिन्ह होता है, सम टाइम पर नहीं हो। तो उसमें मैंने आपको कल बताया था कि जैसे चरण कमल था, तो उसके चरण कमल मतलब उसके कमलों का, किसके, भगवान के, मतलब जो चरण थे उनका कंपैरिजन जो है वो कमल के साथ किया गया है, ठीक है? भगवान के चरणों का बोला गया है वहां पे। तो इस तरीके से हमने दो अलंकार देखे थे। तो इनमें किसी को कोई डाउट है वो बता दो। यहां तक हमने कल ऑलरेडी पढ़ लिया था, किसी को कोई डाउट? आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप लोग अपने माइक क्यों नहीं म्यूट करते? डिंपल, आपका माइक क्यों ऑन था? प्लीज अपने अपने माइक्स को म्यूट रखा करो, क्लास में डिस्टरबेंस होती है। सभी स्टूडेंट को बोल रही हूं मैं, किसी का भी माइक अनम्यूट नहीं होना चाहिए, ओके? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास उत्प्रेक्ष अलंकार। सबसे इजी अलंकार है ये, क्या है? उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार में आपने क्या याद रखना है? उत्प्रेक्ष अलंकार में सिर्फ आपने जो छह शब्द हैं आपने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को याद रखना है। जैसे मानो मनु मनहु, जानो जनु जनहु, जानो जनु
हूं, ठीक है? इनको आपने याद रखना है, जहां पर आपको ये शब्द दिख जाए, मानो मनु मन हूँ, जानो जनु जन हूँ, तो उसका मतलब क्या है कि वो क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, उसका सिर फट गया मानो अरुण रंग हो, ठीक है? आपके पास एग्जाम्पल है, उसका सिर फट गया मानो अरुण रंग, पूरा लिख देती हूँ, मानो अरुण रंग का घड़ा हो, ठीक है? आपके पास है ये, अरुण का मतलब होता है लाल रंग, ठीक है? अरुण रंग मीन्स लाल रंग। तो देखो, उसका सिर फट गया मानो लाल रंग का घड़ा हो, तो पता चल रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार है कि नहीं है, पता चल रहा है कैसे? यहाँ पर मानव शब्द लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको थोड़ा सा समझें, कि जैसे किसी का सिर फट जाता है तो क्या होता है, खून निकलता है, तो जो खून निकलता है वो किस रंग का होता है, लाल रंग का। तो मतलब एक जो सिर है उसको बोला गया है घड़ा, ठीक है? सिर को बताया गया है घड़े की तरह, और जो है वो लाल रंग का घड़ा हो, कि ऐसे उसमें से जो है वो क्या हो गया, ब्लड निकल रहा है इतना सारा। तो यहाँ पर मानव शब्द जो है वो किसको बता रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार को बता रहा है। आई बात समझ में? जैसे अगर हम और बात करें, हिम के कणों से पूर्ण, जैसे हिम के कणों से पूर्ण मानो बादल, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, मानो हो गए पंकज नहीं। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैंने भी समझना हो तो वो मैं समझाती हूँ, लेकिन कौन सा अलंकार हुआ देखकर बताइए जरा, कौन सा अलंकार हुआ, क्या पहचान है? हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं, बोलिए फटाफट से। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं, मानव उत्प्रेक्षा अलंकार। बिल्कुल सही सुनीता, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मानव लगा हुआ है। तो जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु में दूसरे की संभावना का वर्णन हो, ठीक है, दूसरे की संभावना का वर्णन हो एक व्यक्ति या वस्तु से, तो देखो संभावना बताई जा रही है कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, जैसे उसका सिर फट गया, ठीक है, अरुण रंग का घड़ा, तो इसका कंपैरिजन संभावना इसके थ्रू बताई जा रही है ना। तो हिम के कणों से पूर्ण मतलब, अब देखो जब बर्फ पड़ती है, हिम के कण पड़ते हैं, या फिर बारिश होती है, आप कुछ भी बोल सकते हो, तो उसके बाद पंकज का मतलब क्या होता है, पुष्प होता है ना। तो जब बर्फ पड़ती है या पानी की बूंदे पड़ती है, तो फूलों में जान आ जाती है, फूल जो है वो नए हो जाते हैं, या फिर फूल जो है वो खिल जाते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास हुआ उत्प्रेक्षा अलंकार। किसी को कोई कंफ्यूजन, स्पीड अगर ज्यादा लग रही हो तो बता दीजिए, मैं स्लो कर दूंगी, लेकिन इजी चीज थी इसीलिए मैंने फास्ट फास्ट आप लोगों को बता दी। ओके, जितने इंपॉर्टेंट अलंकार है आपके पास, हम यहां पर उन्हीं की बात करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास अलंकार है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है, ये है हमारे पास अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखो पहली बात, कई स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर लिखने में डाउट लगता है कि अतिशयोक्ति कैसे लिखा जाता है, तो कोई जो है यहाँ पर आधा श लिख देते हैं अतिशयोक्ति में, तो हमेशा ध्यान रखना है अतिशयोक्ति देखने में ऐसे अटपटा लगता है कि यहाँ पर पूरा श लिख रहे हैं, लेकिन अतिशयोक्ति इसी तरीके से लिखा जाता है। आधा स कभी भी मत करिएगा, क्योंकि वर्तनी की शुद्धि जब हम देखते हैं तो उस समय पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? अब देखो अतिशयोक्ति का क्या मतलब हुआ, अति मीन्स ज्यादा, अति जब किसी चीज की जो है अति ज्यादा हो जाती है, जैसे हमने ये उपसर्ग में पढ़ा था कि अति उपसर्ग का, अब देखो श्योक्ति है ना, इसमें अति उपसर्ग लगाया हमने, अतिश्योक्ति बन गया। तो यहाँ पर अति उपसर्ग लगा हुआ है जिसका अर्थ हुआ ज्यादा, मतलब कोई चीज है, कोई बात है, उसको आप क्या कर रहे हो, बढ़ा चढ़ा कर जब किसी चीज को बताते हैं,
करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है? अतिशयोक्ति अलंकार। समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे आपने सुना है, हनुमान की पूंछन में लगी आग, इस तरीके से है, हनुमान की पूंछन में लगी आग, आगे क्या था बताइए? हनुमान की पूंछन में लगी आग, लगन न पाई आग, पूंछन में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, आगे क्या था वही है, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, यही था ना। अब देखो, गए निशाचर भाग, हनुमान की पूंछन में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब देखो, पूरा बताया जा रहा है यहाँ पर कि हनुमान की पूंछ में जो है, पहले आपने देखा होगा सीरियल में, सबने देखा है ना, किस किसने जो है वो रामायण देखा है बताइए फटाफट से, किस किसने रामायण सीरियल को देखा है? जिस टाइम पे ये सीरियल हुआ करते थे उस टाइम पे कौन कौन देखा करता था, इन्हें देखा है ना, सुना है ना? हाँ जी, तो आप लोगों ने, सभी ने देखा है, हाँ जी सभी ने देखा है, मैंने भी देखा है ना। तो उस टाइम पे बात थी कि हनुमान की पूंछ में जो है वो आग नहीं लग पाती थी, है ना, हाँ नहीं लग पाई थी, सभी ने देखा, क्योंकि ये जो है उस टाइम के बड़े ही फेवरेट सीरियल हुआ करते थे, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, अब हनुमान की पूंछ में उस समय पर जो है वो रावण की तरफ से जो है वो आग लगाने की कोशिश कर रही थी कि वो उनको जलाएंगे, लेकिन हनुमान जी की पूंछ में पहले तो आग लग नहीं रही थी, जब उनके उस पर आग लगी तो उसके बाद लंका जो है वो एकदम से ढेर हो गई, और उसके बाद सारे निशाचर, निशाचर का मतलब क्या होता है, राक्षस, सारे निशाचर जो है वो भाग गए, ठीक है। तो मतलब बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, बेशक यहाँ पर चीज क्या हुई क्या नहीं हुई एग्जैक्ट जो है वो उसी टाइम की बात है, लेकिन जो सीरियल में बताया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस चीज को क्या बोला गया है, बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है कि 5 मिनट में ध्वस्त हो गई हमारी सारी लंका, है ना, ऐसी बात बोली जा रही है। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर जब हम किसी चीज को बताते हैं तो वो क्या हो जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार। समझ में आई बात, बोलिए फटाफट से, बात समझ में आ गई? उसके बाद जैसे ये हो जाएगा, आपसे पूछूंगी भी मैं, तो प्लीज आप लोगों ने जो है वो अच्छे से समझना है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अलंकार है हमारे पास मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण क्या समझते हैं आप मानवीकरण अलंकार से, पहले मुझे ये बताइए, मानवीकरण अलंकार से क्या समझते हैं आप, क्या है मानवीकरण? मतलब मानव क्या होता है, इंसान, इंसानों की तरह हम उसको क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, मानवीकरण, मानव की तरह समझ रहे हैं, ठीक है। यही है कि कुछ और समझते हैं आप, बताइए क्या लगता है आपको मानवीकरण क्या होता है? अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं, एक मानव जैसा है ना, देखो मेघमय आसमान से उतर रही है, एग्जाम्पल है मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदर परिसी, ठीक है। आपके पास एग्जाम्पल है, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदर परिसी, तो यहाँ पर संध्या को आसमान से, कहाँ से, संध्या को आसमान से उतरने वाली सुंदरी के रूप में दिखाया जा रहा है, यानी कि जो मेघमय आसमान से संध्या सुंदर परी सी, वहां पर अब देखो आसमान से उतर रही है संध्या,
उस तरीके से कंपैरिजन किया जा रहा है, इसको मानवीकरण, इंसानों की तरह इस संध्या को बताया जा रहा है, ठीक है। जो हमारी संध्या होती है, संध्या में रात है ना, तो उसको बताया जा रहा है कि आसमान से उतर रही है, सुंदरी सुंदर सी लग रही है देखने में। तो हम संध्या जो है वो इंसानों के साथ उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जहां वस्तुओं एवं पदार्थों का चेतन रूप, मतलब कि ये क्या है, हमारे पास कॉन्शियस है, चेतन है, इंसानों की तरह हम यहाँ पर, चेतन कौन होते हैं, इंसान। रात थोड़ी ना चेतन होती है, कॉन्शियस होती है, इंसान कॉन्शियस अनकॉन्शियस होते हैं ना। तो यहाँ पर जो भी आपके पास चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनको चेतन रूप बताया गया होता है, आरोप किया जाता है। मतलब प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का जब आरोप हो, लिख सकते हैं, प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का जब आरोप हो, आरोप मीन्स कोई यहाँ पे अगेंस्ट नहीं खड़ा है, मतलब यहाँ पर शब्दों से ऐसा लगे कंपैरिजन किसके कर रहे हैं, हम इंसानों का कर रहे हैं। अब सुंदर, संध्या सुंदर, मतलब संध्या सुंदर है, अगर किसी लड़की का नाम संध्या होता तो हम उसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पर किसी इंसान की बात नहीं की गई है, बल्कि किसका, आसमान के साथ उसका बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये है मानवीकरण अलग, समझ में आई बात, बोलिए फटाफट से, बात समझ में आई कि नहीं, कौन सा अलंकार क्या है, समझ आ गया। ओके, कोई स्टूडेंट जिसको डाउट हो। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है संदेह अलंकार, इजी है बिल्कुल, जहां पर क्या हो, संदेह हो, तो संदेह अलंकार क्या हो? बोल सकते हैं, जैसे लिख लेते हैं पहले संदेह अलंकार, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, मुख है या चंद्र है, आपके पास एग्जाम्पल है मुख है या चंद्र है, ये मुख है या चंद्रमा की तरह है, जैसे कई बार आपने सीरियल में देखा होगा, सेम सारी बातें हम वहीं से लेंगे ताकि हमें ज्यादा याद रहे, है ना। तो जैसे आप देखते होंगे कि कोई जो है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, तो वो क्या करता है, उसके मुख का कंपैरिजन किसके साथ कर देता है, मतलब वो वहां पर संदेह की स्थिति उत्पन्न कर देता है, कि उसको संदेह हो जाता है कि ये मुख ही है या चंद्र की तरह लग रहा है। जैसे कोई होता है ना कि बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे जो है वो ज्वेलरी डाली है, जिसने हैवी ज्वेलरी डाली है, तो बोल देंगे कि देखने में कैसे लग रही है, बिल्कुल लक्ष्मी माता की तरह लग रही है ना। तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास संदेह अलंकार होता है, संदेह अलंकार बोलेंगे उसको, ठीक है, इजी है ना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो, एक होता है संदेह, जहां पर डाउट हो कि ऐसा है कि ऐसा है ना। दूसरा होता है भ्रांतिमान अलंकार, कि हमें जो है वो क्या हो जाता है। अब देखो, एक हमने पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में जितना अंतर होता है ना, कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी चीज की संभावना, सॉरी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी चीज की, क्या करते हैं हम उसमें प्रोबेबिलिटी की, हम संदेह बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पॉसिबिलिटी को हम बोलते हैं संभावना है कि नहीं है, ठीक है। एक शायद की स्थिति होती है, एक संभावना की स्थिति होती है, ठीक है। वैसा ही हमारे पास डिफरेंस है संदेह और भ्रांतिमान में। भ्रांतिमान में बंदा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन में आ जाता है, लेकिन जो संदेह है वहां पर क्या हो जाता है, उसको डाउट हो जाता है कि ये मुख ही है कि चंद्रमा की तरह दिख रहा है ये पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है, यहाँ पर कंफ्यूज कैसे हो रहा है, जैसे मान लो आप देखते ही होंगे, जैसे कई बार हमें क्या होता है, भ्रांति की स्थिति कैसी हो जाती है, जैसे कई बार ना रोड पे कोई कॉइन पड़ा है, ठीक है, लेकिन वो बड़ा चमक रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो क्या है, सोने का है, ठीक है। अब देखो, सम टाइम क्या होता है, किसी से गलती से गिर जाता है ना। सम टाइम क्या होता है, जी जो आप लोगों ने देखा होगा, अगर बचपन में ये चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी, कि ऐसे ना गोल्डन क्वाइन आते थे बचपन में, सोने के छोटे छोटे ऐसे क्वाइन आते थे, कि ऐसा लगता था कि सोने के जो क्या बोलेंगे उन्हें, बिस्किट होते हैं ना, जो कई लोग रखते हैं अपने अपने घर में ज्वेलरी को सेव करके, तो वो वैसे बिस्किट की तरह लगते थे कि गोल्ड के हैं। तो वहां पर सिचुएशन हो सकती थी कि वो भ्रांति की स्थिति है, संदेह, उसको डाउट हो सकता था कि ये चीज है
कि वो चीज है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? भ्रांति मान में क्या चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि हमें भ्रांति हो जाती है कि ये चीज वही है कि कोई और है। एक संदेह है कि ऐसा है मुख है या चंद्र है। यहां पर मुख जो है वो चंद्र की तरह लग रहा है, संदेह। मतलब आप बोल सकते हो कि उपमान में जब अपमान का संदेह हो, एक बोल सकते हैं इस वाले में, उपमान में जब हमारे को क्या लगे, संदेह लगे इस चीज का, अपमान का। अपमान का संदेह हो। अब देखो, अब ये चीज क्या हो जाती है, एक अच्छे तरीके से भी बोली जाती है, लेकिन एक अपमान का संदेह आप ऐसा बोल सकते हो। अब देखो, मेरा किसी को ये बोलने का ये नहीं है, लेकिन मैं जस्ट जनरल बात कर रही हूँ। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है वो देखने में बहुत ही ज्यादा, जैसे साउथ के लोग ये होते हैं ना, साउथ अफ्रीका वगैरह के लोग, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो बहुत ही ज्यादा जैसे कलर में क्या है, काले हैं सपोज, ठीक है, उनका रंग बिल्कुल ही काला है। तो उसको देखकर कोई व्यक्ति क्या कर लेगा, ऐसे ही कंपैरिजन कर लेगा कि इसके बराबर तो सुंदरता बाबा कहीं पर देखी ही नहीं, इस तरीके से बोल देते हैं ना। तो वो क्या है हमारे पास, वहां पर सेम आएगी वो ही बात। यहाँ पर एक अच्छे तरीके से बताया गया है सुंदरता के तरीके से, यहाँ पर जो है वो डाउट बताया जा रहा है, वहां पर दूसरी तरफ एक अपमान के तरीके से भी बताया जा रहा है। एक तरीके से यहाँ पर ये अपमान ही है कि मुख को चंद्र के साथ, लेकिन हम उसको अच्छा समझ लेते हैं, है ना। एक तरीके से है ये अपमान की स्थिति में बताया जा रहा है कि उसमें संदेह हो रहा है, लेकिन ये दोनों कंपैरिजन एक अच्छे लेवल पे है, एक थोड़ा खराब लेवल पे बात हो रही है। ओके, आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा, है ना। नेक्स्ट बात कर रहे थे हम भ्रांतिमान अलंकार की, जहां पर डाउट होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखिए, जहां भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। नाग का मोती अधर से कांति से, नाग का मोती अधर से कांति से, बीज गाड़ी का समझकर, अब देखो यहाँ पर नाक का मोती अधर से कांति से, बीज दाढ़ का समझकर भ्रांति से। भ्रांति मीन्स कि उसको भ्रम हो गया, भ्रम से उसने क्या कर लिया, उसने बीज दाढ़ का समझ लिया। अब देखो कि दाढ़ जो है एक जैसे बैर होता है ना, आप सभी ने अगर खाए होंगे, बेर खाए होंगे, तो बेर जो है वो क्या होते हैं। अब देखो ऐसे जैसे ऐसे होते हैं ना, गोल गोल करके बेर होते थे। अब देखो नाक का मोती, नाक का मोती का मतलब क्या है, जो सबने जो है, सब लेडीज ने जो है वो नाक में डाला होता है ना, जैसे मेरे पास भी है ना। तो यहाँ पर सपोज ये कहीं पर गिर जाता है, तो मैंने पहले आपको गोल्ड के कॉइन के एग्जाम्पल दिया था, अगर ये कहीं पर गिर जाता है और उसके बाद जो है आप सोचोगे कि नहीं यार ये तो ऐसी चीज नहीं है, ये तो कोई ऐसा होगा कि जैसे किसी चीज का दाना हो गया या कि कोई बेर हो गया, अगर उस तरीके की शेप है सपोज। तो अगर मान लो ये मेरे से गिर जाता है कहीं पर, ठीक है, और मेरे को जो है वो, जैसे कई बार होता है ना कि बच्चों के खाने की चीजें होती है, जैसे सेम इसी तरीके की, अगर कोई चीज मेरे को पता है कि नहीं है बच्चा ऐसा चीज खाता है, तो मैं सोचूंगी कि नहीं यार गोल्ड थोड़ी ना गिरा होगा किसी का, है ना। मतलब ये तो कोई ऐसी चीज, मतलब कोई ऐसे ही फालतू चीज कोई गिरी होगी, तो मैं वही चीज समझूंगी ना, यानी कि मुझे क्या होगी वहां पर, भ्रांति होगी। तो संदेह और भ्रांतिमान अलंकार किस किस को क्लियर है फटाफट से बोल दो। अगर क्लियर है सभी को, हैशटैग करके सभी सेंड करेंगे फटाफट से। जिन जिन को क्लियर है फटाफट से हैशटैग सेंड करके क्लियर करेंगे। ओके, एक साथ सभी के देखूंगी मैं, तो फटाफट से बताना है अगर क्लियर है तो। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, फटाफट से बता दीजिए। ओके, मतलब सभी को क्लियर हो गया है मैक्सिमम। डाउट वाले कोई है जिनको रिपीट करने की जरूरत हो या कुछ हो?
हाँ जी बिल्कुल, भ्रांति हो सकती थी यहां पर भी, गीता इसमें भी भ्रांतिमान था। दोबारा से बताओ मैम, नेटवर्क कट हो गया था। भ्रांतिमान अंजलि मैंने शायद लास्ट में बता दिया, सुना आप लोगों ने उस टाइम पे। दाल है कि पानी, बिल्कुल सही बताया मैम। मानवी वाला अलंकार बताना एक बार। ओके बादल, बताती हूँ। ओके जी, क्लियर हो गया अंजलि। ठीक है, मैंने आपके डाउट्स जो है वो लेट देखे थे, है ना। चलो, आपने पूछा मानवीकरण अलंकार के बारे में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और देती हूँ। मेघ आए बड़े ठन ठन के सवर के, मेघ आए बड़े ठन ठन के सवर के, ठीक है। देखो नाम से पता चल रहा है, अब जो बादल है वो थोड़ी ना संवरते हैं, नहीं संवरते हैं ना, तो कुछ संवरने का काम किसका होता है, संवरना, सजना, संवरना मींस तैयार होना, है ना। तो वो जो है वो कौन संवरते हैं, इंसान समझते हैं, संवरते हैं। तो यहाँ पर किसके साथ की कंपेयर, जो मेघ है, मेघ बोल रहा है संवरने की बात, ठीक है, कि मेघ आए बड़े ठन ठन के सवर के, तो सवरने के बारे में बोला जा रहा है, मेघ के सवरने, सवरने का, कि वो सवर कर आ रहा है। तो इंसानों की तरह हम बता रहे हैं यहाँ पर, तो यानी कि ये कौन सा हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया। जैसे आपको पहले बताया था, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदर परिसी, ठीक है। बात समझ में आ गई, बोलो फटाफट से यस और नो, फटाफट से बोल दो यस और नो। ओके जी, अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे विभावना अलंकार की। क्या समझते हैं आप विभावना अलंकार से, बताएगा कोई? विभावना अलंकार से आप क्या समझते हैं कि क्या होता है? जहां पर बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण से अगर किसी चीज के होने की संभावना बताई जा रही है, तो वो क्या है आपके पास, विभावना अलंकार है। जैसे हम बोल सकते हैं, मैं बिना पानी के नहा गई, ठीक है, मैं बिना पानी के नहा गई, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, मैं बिना पानी के नहा गई, बिनु पग चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म करे बिधि नाना, करे बिनु कर्म मैं बिना पानी के नहा गई, बिनु पग चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म कहे विधि नाना। ठीक है, मैं बिना पानी के नहा गई, बिनु पग चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म कहे विधि नाना। लास्ट में नाना नहीं दिख रहा होगा शायद, फिर से दिख देती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई कारण था, कोई कारण बताया जा रहा है कि किस कारण की वजह से वो ऐसा कर रही है, कि वो बिना पानी के नहा गई, है ना, पानी नहीं था फिर भी वो नहाई, है ना, ये बात बोली जा रही है। बिनु पग चले, बिना सब चले जो है वो, अब ये सारे काम हो रहे हैं, बिना चले वो चल रही है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म बिना कर्म के, है ना, कहे विधि नाना। सो सारे काम क्या हो रहे हैं, बिना किसी कारण के हो रहे हैं। जब बिना किसी कारण के कोई काम किया जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, विभावना अलंकार बोलेंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा सा समझने की बात है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट अलंकार मैंने आपको बता दिए थे कि कौन कौन से अलंकार थे, वो हमने पहले ही कर दिए थे, ठीक है। बोलो फटाफट से, क्लियर है? ओके, तो चलिए अब आपसे पूछूंगी और आपने फटाफट से बताना है। दो अलंकार पूछूंगी सिर्फ, तो आप लोगों ने मुझे फटाफट से उसका आंसर देना है कि कौन सा अलंकार किसमें होगा।
ठीक है जी, मैं सिर्फ बोल के करूंगी, आप लोगों ने मुझे बताना है अलंकार, ठीक है। जिसको लिखना होगा फिर वो कमेंट करके बताइएगा कि हमें लिखना है तो हमें लिखवा दो, ठीक है। एग्जाम्पल है आपके पास, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने। मैम लिखना है, ओके अंजलि, ठीक है, चलिए तो लिखना है तो लिख लेते हैं। उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के, ठीक है, नए नए हैं जो आप लोगों के लिए लेकर आई हूं तो ये देखने पड़ेंगे। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसके लगा, तनु कांपने उसका लगा, ठीक है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर उठा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर उठा। आपके सामने है एग्जाम्पल, फटाफट से बताओ। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर उठा। वेरी गुड, सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। मानो की वजह से यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, बिल्कुल सही बताया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो मानो लगा हुआ है। ओके, क्लियर था। नेक्स्ट है आपके पास, नवमंडल छाया मरुस्थल सा, मरुस्थल सा, नवमंडल छाया मरुस्थल सा, बताइए नवमंडल छाया मरुस्थल सा कौन सा अलंकार हो जाएगा? फटाफट से बताना है। उपमा अलंकार, मानवीकरण क्यों कह रहे हैं? नवमंडल छाया मरुस्थल सा, अब जो मरुस्थल सा आप यहां पर कंपैरिजन कर रहे हो ना कि यहां पर मानवीकरण हो सकता है, तो मानव की चीज तो कोई बताई नहीं जा रही है जो मानव करता हो, तो नवमंडल ये भी आसमान से रिलेटेड है, मरुस्थल है, ये आपके मरुस्थल है, दोनों आपके पास जो है वो निर्जीव चीजें हैं, मतलब आप बोल सकते हो, तो यहाँ पर कोई इंसानों के साथ तो कोई बात ही नहीं हो रही है ना, तो मरुस्थल सा बोला जा रहा है यहाँ पर। तो आपको मैंने एक ही चीज बताई है, जहां पर सा की बात हो रही है तो वो कौन सा अलंकार होगा आपके पास? उपमा अलंकार होगा, ठीक है। कौन सा होगा? उपमा अलंकार होगा। नवमंडल छाया मरुस्थल सा, तो यहाँ पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप सभी को। नेक्स्ट है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लो हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लोनो लोहो, कि मुझे तो चंद्र खिलौना, मतलब चंद्र चांद जो है वो मुझे किसके तरह चाहिए? खिलौने के रूप में चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। अब देखो, चंद्र खिलौना इसके बीच में आपके पास है ना, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लोनो लोहो, सॉरी, रूपक अलंकार है। वेरी गुड, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो बोलिए, मैं यहां पर भी आप लोगों को एक बार रिपीट कर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, चंद्र खिलौना, यहाँ पर सा लगा था, उपमा अलंकार था, क्योंकि यहाँ पर वाचक जो है वो कंपैरिजन की फॉर्म में बता रहा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चंद्र खिलौना, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लो हूँ, सारी बात इस चंद्र खिलौने की है कि चंद्र खिलौना चाहिए मुझे, तो यहाँ पर जो है इस दो इन दोनों के साथ में बताई जा रही है ना, उपमान उपमेय के बीच में ही बात हो रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा।
ठीक है, कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर है, रूपक अलंकार हो गया क्लियर। एक लास्ट आपसे पूछूंगी, फिर आपका टाइम भी हो जाएगा क्लास का, ठीक है? बताइए, तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान। मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान, कौन सा अलंकार है? तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान। बोलो फटाफट से, तू मोहन के उर्वशी है, यमक अलंकार। वेरी गुड वेरी गुड। मुझे लगा आप लोग, हम अर्थ अलंकार पढ़ रहे हैं तो आप उसी में से किसी का नाम बताओगे, लेकिन आपने बिल्कुल सही बताया। उर्वशी, उर मतलब हृदय, ठीक है? बसी मीन्स बसना, तुम उसके हृदय में बसी हो, एक अर्थ ये निकल रहा है। यहाँ पर जो उर्वशी है, ये लिखने का तरीका है, यहाँ पर मानक रूप से लिखा गया है, नहीं तो आपको पता है उर्वशी हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है? लेकिन ये इसको, यमक अलंकार को क्लैरिफाई करने के लिए उर्वशी इस तरीके से लिखा गया है। और ये क्या है आपके पास? स्वर्ग की अप्सरा का नाम है, ठीक है? स्वर्ग की अप्सरा का नाम है, तो इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया उर्वशी समान। तो यहाँ पर देखो, एक जगह पर उर्वशी यहाँ आया, दूसरी जगह पर यहाँ आया, लेकिन दोनों का मतलब क्या था? अलग अलग था। जैसे आपको मैंने कनक कनत्ते सौगुने मादकता अधिकाय या खाय बौराय पछताय वो वाला जो एग्जाम्पल बताया था, सेम उसी तरीके से ये भी है। यहाँ पर दोनों का मतलब जो है वो अलग अलग निकलता है। तो बोलो फटाफट से हैशटैग, पूरी वीडियो, पूरी पूरा लेक्चर जो है समझ में आया जिस जिसको, फटाफट से। ओके प्रियंका, बाकी फटाफट से। सुनीता जी को क्लियर है? ओके। प्रीति को क्लियर है? ओके। शैलजा को क्लियर है? और कौन कौन से मिस हो गए पीछे? ओके, मतलब सबको क्लियर है। ओके, प्रियंका, रितिका, पंकज, सुनैना, डिंपल, सुनीता, अंजलि, ईशा, शिखा, प्रीति, शैलजा, विशाली, रेशमा, सुजाता, दीक्षु, मोनिका, भारती, आदित्य, सुशांत। ओके, यही स्टूडेंट थे जो क्लास में ज्वाइन हुए थे, यही स्टूडेंट थे। इसका मतलब ये लोग जो जिनके कमेंट्स आते हैं, ये एक्टिव होते हैं क्लास में, बाकी सारे या तो सो जाते हैं या तो फिर अपने काम को चले जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो चलिए, आपकी इच्छा है। चलो तो मिलते हैं 5 to 7 minutes में, जितने भी स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखेंगे, 5 to 7 minutes में आपकी इंग्लिश की क्लास है। ओके सुमन, आप भी हैं? ओके, कमेंट नहीं देखा होगा।